कबीर साहब कहते हैं भागो नहीं जागो। जागने का अर्थ क्या हुआ, जागने का अर्थ क्या हुआ? आप जहाँ भी है जैसा भी है आप परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं, यानी परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधु बन जाएंगे तो घर परिवार को छोड़ देंगे, लोभ माया को त्यागना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम अपना जिम्मेवारी संभाल लो, नहीं एक दिन समय आएगा मैं घर परिवार छोड़ के चला जाऊंगा और तुम्हें संभालने में बहुत कठिनाई होगा। तो मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं गुरु किया और गुरु से ज्ञान लिया तब मुझे पता चला कि गुरु कहते हैं भागो नहीं जागो। जागने का अर्थ क्या हुआ, आप जहाँ भी है उसी जगह से आप परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं, यानी परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं। भागने से परमात्मा आपको मिलेगा नहीं, परमात्मा को हर जगह परमात्मा कहीं बास है, परमात्मा बिना तुम जी नहीं सकते। गौतम बुद्ध से पत्नी ने गौतम बुद्ध से पूछा था कि क्या पतिदेव, क्या आप घर त्याग करने से क्या परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है? गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने बताया कि मुझे तो मालूम नहीं था कि परमात्मा घर में रह करके उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी है जैसा भी है वहाँ से परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। भगोरा मत बनो, जगोरा बनो। कबीर साहब भी कहते हैं भागो नहीं जागो। जागने का अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा का गुणगान करना, और भागोगे घर परिवार छोड़ के बाल बच्चा बीवी को तो हमेशा याद आएगा, डिप्रेशन में रहोगे और टेंशन रहेगा। परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। साधु का अर्थ क्या हुआ, साधु का अर्थ हुआ साधना करना, यानी परमात्मा को स्मरण में जीना। साधु शब्द है कठिन, जैसे आप चोरी करते थे, डाका करते थे, आप हत्यारा थे तो आपने साधु हो गए, उसका अर्थ नहीं हुआ। जैसे आप मांस मछलियाँ खाते थे, आपने छोड़ दी, आपने कंठी माला ले ली, उसका अर्थ ये नहीं हुआ साधु आप हो गए। आपके अंदर से भीतर से भाव आ रहा है कि मांस मछलियाँ खाते तो कितना अच्छा है, दूसरा आदमी खा रहा है, आपके अंदर से भाव आया कि मैं भी खाता तो ये पापी ये ढोंगी का लक्षण है। आप साधु का अर्थ है यानी विभिन्न चीज़ से मुक्ति, यानी परमात्मा को उपलब्धि होना। जैसे कबीर साहब रविदास को कहते हैं, रविदास तो है लाख दुआई सारा बस्ती बाहर न जाई, जो वस्तु है वो बाहर न जाई। वस्तु क्या है, परमात्मा स्वरूप, जो उसे देते चाहिए कि मनुष्य को ये पाना चाहिए जो परमात्मा स्वरूप है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बाहर मत जाना चाहिए। कहते कबीर साहब रविदास को, रविदास तो है लाख दुआई सारा वस्तु बाहर न जाए। तो परमात्मा को हर आदमी को उपलब्ध हो सकता है, सिर्फ जागने की जरूरत है।